हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है मुगलों का मध्य एशिया और फारस से संबंध। इस वीडियो में हम विभिन्न मुगल सम्राटों के द्वारा मध्य एशिया और साथ ही फारस के संबंध में किस प्रकार की नीति अपनाई गई इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है जिसमें कंधार है, बल्ख है, बदख्शां है, काबुल है, इन क्षेत्रों पर क्यों अधिकार मुगल करना चाहते थे? पहला रीज़न हो सकता है वो महत्वाकांक्षी थे और साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो मुगल हैं वो ट्रांसोक्शियन वाला जो क्षेत्र है मध्य एशिया में, वहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी वहाँ के मूल निवासी थे मध्य एशिया के। और इनका ये मानना था कि क्योंकि ये इनकी मातृभूमि है इसलिए इस पर इनका अधिकार होना चाहिए। तो भारत में जब ये लोग आ गए तो इसके बाद भी ये मध्य एशिया के उस अपने मातृ देश वाले क्षेत्र पर अधिकार करना चाहते थे। दूसरा रीज़न है कि जितने भी विदेशी आक्रमणकारी तब तक आए, अरब आए हों, तुर्क आए हों, वे सभी इसी मार्ग से होकर के भारत में आए। और भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी वो बहुत ही असुरक्षित थी। भारत में प्रवेश के लिए उस पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न दर्रे थे जिनसे होकर के विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे। तो मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए ये कंधार काबुल वाले क्षेत्र से होकर के आक्रमणकारी भारत आते थे, चाहे तैमूर का भारत आया हो या तुर्क भारत आया हो, और उसके बाद में नादिर शाह भारत आया हो, और चाहे मुग़ल स्वयं आया हो, तो ये सभी जो हैं इसी मार्ग से होकर के आए थे। तो भारत में मुग़ल राज्य की सुरक्षा के लिए इस प्रदेश पर नियंत्रण करना बहुत अधिक आवश्यक था। तीसरा रीज़न है, बाबर जो था वो तैमूर की प्राचीन राजधानी समरकंद पर अपना अधिकार करना चाहता था, और भारत पर अपना अधिकार करने से पूर्व भी बाबर ने बहुत बार समरकंद पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए उसे अपने अधिकार में भी रख पाया था वो। तो ये जो क्षेत्र था ये इसे अपना पैतृक क्षेत्र मानते थे और इसी वजह से ये इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे। वहीं फारस का जो शाह था वो भी कंधार के क्षेत्र को अपने अधिकार में रखना चाहता था। तो कंधार का जो क्षेत्र है फारस और भारत में मुग़ल शासन के बीच में हमेशा एक कंटेंशन या संघर्ष का जो है आधार रहा। दोनों इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। एक और रीज़न है कि उत्तर पश्चिमी सीमांत या फिर मध्य एशिया नीति अपनाई गई। ये थी उत्तर पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र है वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र में विभिन्न कबीले रहा करते थे, और ये जो कबीलाई जातियाँ थी बहुत अधिक लड़ाकू थी, और इनके द्वारा जो है सीमांत क्षेत्र में बहुत उपद्रव और अशांति या उत्पात जो है वो मचाया जाता था। तो इन पर नियंत्रण रखने के लिए, ताकि इनको कोई विदेशी जो शक्ति है जो भारत पर अधिकार करना चाहती है या आक्रमण करना चाहती है अपनी ओर ना मिला ले, इसका ध्यान रखते हुए भी जो मुग़ल शासक थे उनके द्वारा ये मध्य एशिया संबंधी और फारस संबंधी नीति अपनाई गई। तो ये कुछ रीजन्स थे जिनकी वजह से मुग़ल जो सम्राट थे उनको फारस के साथ डील करना पड़ा और मध्य एशियाई देशों के साथ भी डील करना पड़ा। सबसे पहले हम काबुल की बात करेंगे। बाबर के संबंध में हम देख चुके हैं कि जब वो भारत में आया तो उसके पास इतना समय नहीं था कि भारत में अपना शासन सुदृढ़ स्थापित करने के बाद वो बाहरी क्षेत्रों में भी अपने प्रभाव विस्तार का प्रयास करता। बहुत कम समय उसको मिला, लगभग 4 साल के लगभग यहाँ उसको शासन करने के लिए मिला, और वो भारत में, उत्तरी भारत में भी अपनी सत्ता सुदृढ़ नहीं कर पाया था। तो बाहर अपना प्रभाव विस्तार करने की बात तो उठती ही नहीं है। इसके बाद में हुमायूं आया। हुमायूं को शेरशाह से पराजित होने के बाद में फारस जाना पड़ा और फारस के शाह की सहायता प्राप्त करनी पड़ी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले काबुल की बात करते हैं। अकबर जब हुमायूं के बाद में गद्दी पर बैठा तो शुरुआत में अकबर का बहुत अधिक विरोध हुआ था, और अकबर के कुछ विरोधी सरदार जिनमें बंगाल और बिहार के क्षेत्र के सरदार प्रमुख रूप से थे, तो इन मुग़ल सरदारों ने अकबर के सौतेले भाई हकीम मिर्जा को मुग़ल सम्राट बनाने का षड्यंत्र रचा, और इसी से प्रोत्साहित होकर के हकीम मिर्जा ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हकीम मिर्जा इस समय काबुल का सूबेदार था। अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं अकबर मानसिंह को साथ लेकर के काबुल की ओर बढ़ा, और हकीम मिर्जा जो है वो काबुल से भाग गया अकबर की सेना वहाँ पहुँचने पर।
1581 में अकबर ने काबुल में प्रवेश किया और हकीम मिर्ज़ा जब वो भाग गया तो उसके बाद में उसने अकबर से क्षमा प्रार्थना की। अकबर ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसके स्थान पर उसकी बहन जो थी बख्तुन्निसा उसे काबुल का सूबेदार बना दिया और अकबर वापस लौट गया। फतेहपुर सीकरी लौट आने के बाद में हकीम मिर्ज़ा जो है उसने पीछे से जाकर वापस से काबुल में अपना शासन स्थापित कर लिया और बख्तुन्निसा जो थी वो नाम मात्र की गवर्नर बनी रही। लेकिन 1585 में हकीम मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु होने के बाद में अकबर ने फिर से मानसिंह को काबुल अपना मुग़ल अधिकार जो है उसे करने के लिए या मुग़ल साम्राज्य में काबुल को पूरी तरीके से शामिल करने के लिए उसे भेजा। मानसिंह ने जो है अधिकार कर लिया काबुल पर और इसके पश्चात इसने काबुल को मुग़ल साम्राज्य में मिला दिया। इस तरीके से अकबर के समय में काबुल जो है मुग़ल साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। इसके बाद बल्ख और बदख्शां की बात करते हैं। ये दोनों जो क्षेत्र हैं बुखारा राज्य का हिस्सा थे और शाहजहां के समय में यहाँ इमाम कुली का शासन था। इस समय शाहजहां का जो शासनकाल था उस समय बल्ख और बदख्शां वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर बहुत अशांति थी। अशांति इसलिए थी क्योंकि वहाँ इंटरनल स्ट्रगल चल रहा था, आंतरिक संघर्ष चल रहा था विभिन्न जो दावेदार थे उनके मध्य। इमाम कुली से अप्रसन्न होकर के उसके भाई नज़र मोहम्मद ने यहाँ अधिकार कर लिया था बल्ख और बदख्शां पर और इसने अपने पुत्र अब्दुल अजीज़ को इमाम कुली के खिलाफ भेजा। लेकिन स्वयं अब्दुल अजीज़ जो है बहुत महत्वाकांक्षी था और इसने खुद को बुखारा का शासक घोषित कर दिया। तो इसके और नज़र मोहम्मद दोनों के बीच में भी संबंध खराब हो गए। तो इसमें इतने कई सारे दल थे जो इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे और इसी आंतरिक संघर्ष का फ़ायदा उठाने के लिए शाहजहां जो था उसने 1646 ईस्वी में मुराद जो उसका पुत्र था उसको बल्ख पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बल्ख पर मुराद के द्वारा जब आक्रमण कर दिया गया तो नज़र मोहम्मद वहाँ से भाग करके फ़ारस चला गया। फ़ारस के शाह के यहाँ उसने शरण ली और बल्ख पर आसानी से मुग़लों का अधिकार हो गया। लेकिन बहुत अधिक समय तक मुराद जो है वहाँ रह नहीं पाया क्योंकि वहाँ की जो जलवायु थी उसकी अति शुष्कता के कारण ये टॉलरेबल नहीं थी मुग़लों के लिए। तो मुराद जब वापस लौट गया तो उसके स्थान पर औरंगजेब को भेजा गया जिसने अब्दुल अजीज़ को परास्त किया और इस बल्ख का जो किला था उस पर अधिकार भी कर लिया। लेकिन इसी समय नज़र मोहम्मद जो फारस गया हुआ था उसने वहाँ के शाह की सहायता से मुग़ल जो चौकियाँ इस क्षेत्र में स्थापित की गई थी उन पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। पहला वहाँ का जो लोकल टेरेन है वहाँ का जो धरातल है उसकी जानकारी नज़र मोहम्मद और वहाँ के लोगों को ज़्यादा थी। दूसरा वहाँ की जलवायु जो थी वो उसकी प्रतिकूलता को देखते हुए जो मुग़ल सेना थी वो ऑक्सस जो नदी है उससे आगे बढ़ी ही नहीं। तो इन सभी रीजंस की वजह से इन सभी कारणों की वजह से शाहजहां जो था उसने औरंगजेब को ये आदेश दिया कि अगर नज़र मोहम्मद के द्वारा क्षमा प्रार्थना की जाती है तो उसे क्षमा कर दिया जाए और वापस भारत लौट जाए। नज़र मोहम्मद ने अपने पुत्र को कहते हैं कि औरंगजेब के पास क्षमा करने के लिए क्षमा प्रार्थना के लिए भेजा और औरंगजेब ने उसे बल्ख का दुर्ग सौंप दिया। बदले में नज़र मोहम्मद जो है उसने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली। हालांकि जब औरंगजेब लौट गया तो उसके बाद वो पूर्णतः लगभग स्वतंत्र शासक की भांति ही शासन करता रहा। हालांकि इस पूरे अभियान का फ़ायदा इतना हुआ कि मुग़लों की वहाँ पर थोड़ी सी धाक जम गई, उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। विशेष फ़ायदा जो है इस आक्रमण का नहीं हुआ क्योंकि ना तो उनके धरातल में वृद्धि हुई, दूसरा बहुत अधिक धन जो है इन अभियानों में शाहजहां को खर्च करना पड़ा, प्लस बहुत से मुग़ल सैनिक जो हैं इन अभियानों में मारे गए। तो बल्ख और बदख्शां पर शाहजहां के आक्रमण का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ये आक्रमण जो है पूरी तरीके से असफल रहे। तीसरा कंधार की बात करते हैं। कंधार जो है फारस और मुग़ल जो शासन था मुग़ल साम्राज्य था दोनों के बीच में संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण रहा। शेरशाह से जब पराजित हुआ हुमायूं तो वो भाग करके फारस चला गया और वहाँ का जो शाह था फारस का तहमास्प उसने वो उसको शरण दी। हुमायूं जो था वापस भारत पर आक्रमण करके वापस मुग़ल साम्राज्य को अपने अधीन करना चाहता था और इसीलिए उसने सैनिक सहायता की प्रार्थना फारस के शाह से की।
फारस के शाह ने हुमायूं को सैनिक सहायता दी, लेकिन सशर्त। उसने कुछ शर्तें लगा दी। पहला, उसने कहा कि हुमायूं जब भारत पर अधिकार कर लेगा तो अपने क्षेत्र में शिया धर्म जो है इस्लाम का, शिया पंथ, उसका प्रचार प्रसार करेगा। दूसरा, कंधार को जीत करके फारस को सौंप देगा। हुमायूं जो था उसने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया। हुमायूं लगभग 14,000 की सेना लेकर के, जो कि ईरान से उसने प्राप्त करी थी, तो वो सेना लेकर के कंधार की ओर बढ़ा। और कंधार पर इस समय अस्करी का अधिकार था, जो कि हुमायूं का भाई था। 3 महीने तक ये घेरा चला और बाद में अंत में अस्करी जो था उसने आत्मसमर्पण कर दिया और कंधार पर हुमायूं का अधिकार हो गया, जिसने अपनी शर्तानुसार उसे फारस के शाह को सौंप दिया। लेकिन जब तहमास्प की मृत्यु हो गई तो हुमायूं ने फिर से कंधार पर अधिकार कर लिया। तो एक बार फिर से कंधार जो है मुगलों के अधिकार में आ गया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर राज्य मुगल गद्दी पर बैठा, तो प्रारंभिक काल में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई और उस अव्यवस्था के दौरान जो है कंधार वाले क्षेत्र में मुगल साम्राज्य या मुगल सम्राट जो है वो ध्यान नहीं दे पाया, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए फारस का जो शाह था उसने कंधार पर अधिकार कर लिया। कंधार पर अधिकार करने के पश्चात उसने मुजफ्फर हुसैन मिर्जा को सूबेदार नियुक्त कर दिया कंधार का। तो फारस जो शाह है, फारस जो है, उसने एक बार फिर से कंधार पर अपना अधिकार कर लिया। फारस के शाह और सूबेदार में जो मुजफ्फर हुसैन मिर्जा था, उन दोनों के बीच में आगे चलकर के तनाव उत्पन्न हो गया और अपने संबंध ख़राब होने की स्थिति में मुजफ्फर हुसैन जो था उसने कंधार का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। तो बहुत ही आसानी से एक बार फिर से कंधार जो है मुगलों के हाथ में अकबर के समय में आ गया। इस मुजफ्फर हुसैन को मुगल जो है मनसबदार अकबर ने नियुक्त कर दिया। अकबर की मृत्यु के पश्चात जब जहांगीर मुगल सम्राट बना तो उसके शासन के प्रारंभिक काल में खुसरो के द्वारा विद्रोह कर दिया गया और इसी विद्रोह के दौरान फारस का जो शाह था उसने कंधार पर आक्रमण किया। और क्योंकि विद्रोहों में जहांगीर और मुगल सेना जो थी व्यस्त थी, तो इस और कंधार का जो सूबेदार था उसको समय पर मुगल सहायता नहीं मिल पाई और कंधार का जो दुर्ग रक्षक था शाह बेग, उसको उसने कुछ समय तक इस घेरे को बनाए स्थिति को बनाए रखा और जैसे ही उसे मुगल सहायता प्राप्त हुई तो उसने इस जो आक्रमण था कंधार पर उसको विफल कर दिया। आगे चलकर के कुछ समय तक ये स्थिति बनी रही, लेकिन 1621 के अंत में जब मुगल दरबार में तनाव पड़ने लगा और नूरजहां गुट जो था वो कमज़ोर होने लगा, उसमें फूट पड़ने लगी और नूरजहां और खुर्रम के संबंध, खुर्रम जो जिसे शाहजहाँ कहा गया बाद में, तो खुर्रम और नूरजहाँ के संबंधों में तनाव आने लगा और इसी समय खुर्रम जो है विद्रोह की ओर बढ़ ही रहा था। तो ऐसी स्थिति में फारस का जो शाह था उसने इसका फ़ायदा उठाया और कंधार पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज दी। कंधार पर जहांगीर ने शाहजहां को जो है आदेश दिया कि वो कंधार की ओर जाए और इस आक्रमण को विफल करे, लेकिन शाहजहां जो था उसने इस समय इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वो नूरजहां के बढ़ते हुए प्रभाव से अप्रसन्न था और इसी समय उसने शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने में जो है शहज़ादा परवेज़ और महाबत खां जैसे बड़े सेना नायक जो थे वो व्यस्त हो गए और इसी वजह से जो है जहांगीर कंधार की ओर समय पर रसद और सेना जो है सहायता वो नहीं पहुंचा पाया। फलस्वरूप कंधार पर फारस के शाह का अधिकार हो गया क्योंकि इस समय जब परवेज़ दूसरा जो शहज़ादा था उसको जब कंधार जाने का आदेश दिया गया तो खुर्रम का विद्रोह हो गया, जिसकी वजह से इसे विद्रोह दबाने के लिए भेज दिया गया। तो एक बार फिर से मुगलों के हाथ से कंधार निकल गया। शाहजहां जो है उसने अपने पिता के काल में कंधार जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब वो स्वयं सम्राट बना तो उसके सामने कंधार को वापस मुगल साम्राज्य में शामिल करने का लक्ष्य था। तो जहांगीर ने उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर ध्यान दिया और जहांगीर के समय से ही फारस का जो शाह था ऊपरी तौर पर जो है मुगल साम्राज्य से अपने मैत्री संबंध बनाए रखने के लिए राजनीतिक दूतों का आदान प्रदान करता रहा था। समय समय पर यहाँ पर विभिन्न दूत जो हैं जहांगीर के समय में उसके दरबार में भेजे गए फारस के द्वारा और शाहजहां के समय में भी भेजे गए।
इस समय फारस की ओर से शाहजहाँ जब शासक बना तो उस समय कंधार पर अली मर्दान खान जो था उसको सूबेदार फारस ने बनाया हुआ था। आगे चल कर के फारस का जो वजीर था उसके बीच में और अली मर्दान खान में राजस्व की बात पर कोई झगड़ा हो गया, और जब ये तनाव बढ़ने लगा तो अली मर्दान खान के ख़िलाफ़ फारस के वजीर ने एक सेना भेज दी। इस सेना के भेजने पर अली मर्दान खान जो था उसने काबुल का जो मुग़ल सूबेदार था उससे साठगांठ करी, और कुछ वार्ता करने के पश्चात उसने 1638 में कंधार का दुर्ग जो था वो मुग़लों को सौंप दिया। तो एक बार फिर से शाहजहाँ के समय में कंधार का क्षेत्र मुग़लों के हाथ में आ गया। शाहजहाँ जो था उसने अली मर्दान खान को कश्मीर का सूबेदार नियुक्त कर दिया, और काबुल का सूबेदार उस समय जो था कुलिस खां उसको कंधार का दुर्ग रक्षक नियुक्त कर दिया। इस समय जो फारस का शाह था उसकी शाह सफ़ी उसका नाम था, उसकी मृत्यु के बाद में शाह अब्बास द्वितीय 1642 में शासक बना। ये जो था लगभग 14 वर्ष का था इस समय, और इसने कुछ समय तक अपने शासन को फारस में सुदृढ़ करने के लिए और कंधार पर आक्रमण करने के लिए तैयारी करता रहा। तो कुछ समय तक जो है ये स्थिति बनी रही, यानी मुगलों का अधिकार कंधार पर बना रहा। 1638 में अपनी पूरी तैयारी करने के पश्चात कड़ाके की ठंड के मौसम में ये जो फारस का शाह था अब्बास द्वितीय उसने कंधार पर आक्रमण कर दिया। शाहजहाँ को कोई अनुमान नहीं था क्योंकि वहाँ जो है ठंड जो है वो बहुत कड़ाके की पड़ती है, और इस मौसम में अभियान करना जो है वो अनुकूल नहीं माना जाता सामान्यतः। लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अचानक से जब आक्रमण कर दिया गया तो मुग़ल इसके लिए तैयार नहीं थे, और मुग़ल गवर्नर दौलत खां जो था उसने 1649 में कंधार फारसियों को सौंप दिया। कंधार पर फिर से अधिकार करने के लिए शाहजहां ने 1649 में औरंगजेब को और अपने वजीर सादुल्ला खां प्रधानमंत्री को भेजा, किंतु ये असफल रहे। फिर से 3 साल बाद में 1652 में शाहजहां ने औरंगजेब और सादुल्ला खां को भेजा, लेकिन इस बार भी ये असफल रहे क्योंकि मुग़ल जो तोपखाना था वो फारसी तोपखाने का सामना नहीं कर पाया। 1653 में शाहजहाँ जो था उसने अब तीसरी बार दारा को, अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को, कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और दारा ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया क्योंकि औरंगजेब इसमें असफल रहा था, तो वो अपने पिता को ये सिद्ध करना चाहता था कि वो कंधार पर आसानी से अधिकार कर सकता है। लेकिन जब उसके द्वारा आक्रमण किया गया तो उसके भी मनसूबों पर पानी फिर गया, और दारा जो है कंधार के आसपास के क्षेत्र को पूरी तरीके से उजाड़ने के बाद भी कंधार पर अधिकार नहीं कर सका, और 1653 के अंत में उसे भी वापस भारत लौट जाना पड़ा। इस तरीके से कंधार जो था एक तरीके से अब मुग़लों के हाथ से जाता रहा। औरंगजेब अपने समय में इस सीमा की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि वो दक्षिण वाले क्षेत्र में बहुत अधिक मराठों के खिलाफ और दक्षिण की जो विभिन्न राज्य थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर इत्यादि, इनके खिलाफ जो है बहुत अधिक व्यस्त रहा, और उत्तर पश्चिमी सीमा, मध्य एशिया और फारस की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो कंधार जो है मुग़लों के हाथ से हमेशा के लिए अब जाता रहा। इन आक्रमणों से मुग़ल जो साम्राज्य था उस पर आर्थिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़े क्योंकि इन विदेशी अभियानों में बहुत अधिक खर्च जो है मुग़ल साम्राज्य को करना पड़ा, तो खजाने पर या राजकोष पर बहुत अधिक भार इसका पड़ा। साथ ही इन अभियानों में बड़ी संख्या में मुग़ल सैनिक जो है वो भी हताहत हुए। तो एक तरीके से मुग़ल सम्राटों की जो मध्य एशिया नीति थी और फारस नीति थी बहुत अधिक फलदायी जो है नहीं हुई।